हाँ गाइस, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांसें फूलती हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उस वक्त बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। इस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़े जितने ज्यादा स्वस्थ होंगे उतनी अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी। लेकिन अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी और हम जैसे हैवी वर्क जो होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो हम ढंग से नहीं कर पाएंगे और हमारी हालत और खराब होती चली जाएगी। फेफड़े खराब होने के कई सारे कारण होते हैं, पर जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्मोकिंग, धूम्रपान। स्मोकिंग के कारण भारत में हर एक घंटे में 154 लोग मरते हैं, हर एक दिन में लगभग 3700 लोग मरते हैं और एक साल में लगभग 12 लाख आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि स्मोकिंग कैसे उनकी जान ले लेती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्मोकिंग और धूम्रपान की आदत आपके फेफड़ों को बर्बाद कर देती है। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है और ये सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिगरेट और बीड़ी पीने को स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही नेगेटिव और नुकसानदायक प्रभाव डालती है। सिगरेट के धुएं में बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल और कोशिकाओं को बर्बाद कर सकते हैं या उन्हें कैंसर में बदल सकते हैं। इन केमिकल्स में सबसे खतरनाक वाले केमिकल हैं निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और तार। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब उसकी हमें आदत पड़ जाती है। निकोटीन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हमारे दिल की धड़कनें तेज करता है, हमारा जो खून का फ्लो है उसको बढ़ाता है और जो नसें खून को बाकी बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, उनको वो पतला करता है। निकोटीन इन आर्टरीज और जो इन नस हैं उनकी जो अंदर की परत होती है उसको बहुत ही सख्त कर देता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही नुकसानदायक गैस होती है जो कि स्मोकिंग के टाइम प्रोड्यूस होती है, बनती है और हमारी बॉडी के अंदर जाती है। हमारे खून में होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से चिपक कर ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में फैलाता है और पहुंचाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाता है तो वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है और ऑक्सीजन को चिपकने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी आर्टरी जो नसें हैं उनके अंदर की जो परत है उस पर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा कर देता है और धीरे धीरे करके वो आर्टरी जो है अंदर से सख्त होने शुरू हो जाती है। आर्टरीज के हार्ड और सख्त होने की वजह से हमें हार्ट डिजीज, आर्टरी की डिजीज और हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब आते हैं तार पे। तार एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कई सारे गंदे केमिकल से मिलकर बनता है। तार हमारे नाखूनों को, दांतों को और हमारे फेफड़ों को पीला या ब्राउन कर देता है। हमारे फेफड़ों के अंदर बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जमा होता है, तो इनको कहते हैं ब्रॉन्चाइज। तार इन ब्रॉन्चाइज के अंदर जाके उधर चिपकता है और इन ब्रॉन्चाइज को पतला कर देता है और ऑक्सीजन के लिए कम जगह छोड़ता है। हमारे फेफड़ों के अंदर कई सारी बाल जैसी दिखने वाली चीजें होती हैं जो हमारे फेफड़ों को गंदगी और इन्फेक्शन से बचाती हैं। इन चीजों को बोलते हैं सीलिया। तार इन सीलियाज को भी बर्बाद कर देता है। सीलिया के बर्बाद होने से हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सब कुछ मिलाकर स्मोकिंग से हमारे जो लंग्स के एयरवेज होते हैं, वो रास्ते जिनसे हवा अंदर बाहर होती है, वो सब बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्मोकिंग से हमें और भी सीरियस बीमारी हो सकती है, जैसे एम्फिसीमा मतलब सांस की कमी। इस बीमारी में हमें लगातार सांस की कमी महसूस होती है क्योंकि फेफड़ों के अंदर जो हवा को रखने के लिए जो थैले होते हैं, जिन्हें एल्वियोली बोलते हैं, वो स्मोकिंग के कारण बुरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं। अब देखते हैं ये बीमारियां बनती कैसे हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो कि म्यूकस या बलगम बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में ग्रीसिंग रहती है। पर जब हम सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तब ये सेल और कोशिकाएं फूलना शुरू कर देते हैं और अपने साइज में बड़े हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा म्यूकस बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा म्यूकस और बलगम जो है हमारे फेफड़ों में जमना शुरू हो जाता है और बलगम जमा होने के कारण फेफड़ों में हवा के रास्ते जाम हो जाते हैं, जिससे कफ और खांसी पैदा होती है। ज्यादा बलगम जमा होने के कारण और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से टीबी भी हो सकता है। सिगरेट के धुएं की गर्मी से भी हमारे फेफड़े खराब होते हैं और बीमारियां बनती हैं। सिगरेट का गर्म धुआं हमारे लंग्स के, हमारे फेफड़ों के सेल और कोशिकाओं को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे जलन होती है और कफ और खांसी स्टार्ट हो जाती है। लगातार स्मोकिंग करने से फेफड़ों के अंदर के हिस्से जलकर खराब हो जाते हैं और ऑक्सीजन रखने वाली जो जगह होती है वो कम हो जाती है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो बाल जैसी चीजें होती है जिन्हें सीलिया कहते हैं, उनके खराब होने से भी बीमारियां बन सकती हैं। सीलिया हमारे फेफड़ों की जो पाइपलाइन होती है उनके अंदर की तरफ कई सारे बाल होते हैं जो हमें गंदगी, कीटाणुओं से बचाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े साफ रहते हैं।
लेकिन जब हम सिगरेट पीते हैं तो जो सीलिया होती हैं इनका जो मोशन होता है, इनका जो हिलना होता है वो स्लो हो जाता है और कई घंटों तक स्लो ही रहता है, जिसकी वजह से फेफड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते और हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लगातार स्मोकिंग करते रहने से फेफड़ों के जो पाइपलाइन है उसके ऊपर की जो परत वाले जो सेल होते हैं वो बर्बाद होते चले जाते हैं, खराब होते चले जाते हैं, और सिगरेट के जो केमिकल है वो उन सेल पे अटैक कर करके उनको कैंसर में बदल देते हैं। पर अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, सही जानकारी हो, तो आप इन बीमारियों से और लंग कैंसर के होने के खतरे से बच सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके स्मोकिंग को छोड़ दो, चाहे तो अभी छोड़ दो। हमेशा सेकेंड हैंड स्मोक और पैसिव स्मोकिंग से बचें। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है जब कोई और पी रहा होता है सिगरेट और आपके नाक में उसका धुआं आ रहा होता है, तो उससे बचें। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त सिगरेट पी रहा है तो आप उससे बोलें कि सिगरेट छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ता है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आपकी लाइफ तो आप ही को बचानी है। हेल्दी खाना खाएं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्रोटीन वाली चीजें, और डेली एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताएं आपको किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वीडियो देखनी है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।